कौन सा मशीन है? चाइना का मशीन। चाइना का मशीन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन। इस वक्त हम धान के खेत में मौजूद है। आप देख सकते हो कि हमारे चारों तरफ धान का खेत नजर आ रहा होगा और अभी धान की कटाई चल रही है। आप सब जानते होंगे कि बिहार में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। कोई भी किसी भी चीज को करना हो तो उसके लिए बिहार में हमेशा जुगाड़ खोज ही लेते हैं कोई ना कोई। लेकिन हमारे बिहार में एक ऐसा मशीन है जो जिसे कंबाइन कहते हैं और इस मशीन से सारे फसल काटे जाते हैं, जैसे मक्का, धान, गेहूं, बाजरा, और ये अभी धान खेत है। हमारे साथ बहुत सारे किसान भी है और हम देखेंगे कि किस तरह से इस धान की कटाई को मशीन जो कि 10 मिनट में काम कर देते हैं, जिसका काम होता है 10 दिन का, वो 10 मिनट में करके चले जाते हैं। आखिर अभी इसका उपयोग कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ के किसानों से बात कर लेते हैं कुछ। क्या नाम हुआ भैया? राजेश कुमार। ये धान का खेत है ना? हाँ, ये धान का खेत है। अच्छा, पहले के समय में तो धान का कटाई लोग करते थे हाथों से, कचिया से, लेकिन अभी ये बड़ी सी मशीन आ गई है, 10 दिन का काम 10 मिनट में कर देता है। कैसा लगता है अभी? बढ़िया लगता है। लोगों का रोजगार तो छीनते जा रहा है ये सब मशीन। छीनते जा रहा है लेकिन काम लेकिन बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दबाजी हो रहा है। हाँ, काम जल्दबाजी हो रहा है, इसमें किसान खुश रहता है। अच्छा, एक बीघा धान कितना देर में काट देता है ये मशीन? ये मशीन वही आधा घंटा 30 मिनट। देखिए, एक बीघा धान को ये मशीन लगभग 30 मिनट में काट के और उसको साफ करके डाले में डाल देता है। और हम लोग जब लोग हाथों से काटते हैं, कचिया से पहले काटते थे तो होता क्या था, पहले उसको काटते थे, सुखाते थे, बांधते थे, उसके बाद फिर मिचान लगा उसको झाड़ते थे। झाड़ने के बाद वो साई करते थे, उसके बाद तैयार होता था धान, है ना? बस एक दिन का काम 3 दिन लग जाता है और अभी बस 10 से 30 मिनट में। हाँ, 30 मिनट में हो जाता है अभी। तो देखिए, अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कंबाइन जो है धान को कैसे काटती है। ये देखिए, उधर अभी ये जो है ना काटते हुए गई थी और वैसे वैसे फिर से काटते हुए आ रही है। ये देखिए किस तरह से धान का कटाई किया जा रहा है। और ये जो आपको शीश दिख रहा होगा ना धान का, ये जड़ से नहीं कटता है, ये एक बीता नीचे से कटता है और बाकी जो नीचे का डाट रहता है ना सारा कुछ बचा हुआ रहता है। तो किस तरह से ये जो धान काट रहे हैं उनसे बातें कर रहे हैं। अभी हम चढ़ते हैं ऊपर और बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? सद्दाम हुसैन। ये कौन सा मशीन है? चाइना का मशीन। चाइना का मशीन है। इसको क्या कहते हैं, कंबाइन मशीन? हाँ, कंबाइन। तो ये कहाँ से आता है? बंगाल से। बिहार से नहीं आता है? नहीं। तो देखिए, ये जो मशीन है बंगाल से आता है और जब भी कोई फसल काटनी होती है ना तो बंगाल, यूपी, ये सब जगह से यहाँ पे मशीन लेके आते हैं और खूब कमाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए ये कब से कब तक चलता है? ये 4-5 महीने चलता है। 4-5 महीने चलता है, उसके बाद बैठा रहता है। पूरे फिर 7-8 महीना बैठा रहता है। 2-3 महीना बैठ रहा है। फिर चलने लगता है। अच्छा, इस मशीन से क्या क्या कटता है, कौन कौन सा फसल? सिर्फ धान ही कटता है। तुड़ी। अच्छा, मक्का के लिए अलग है? नहीं, मक्का का अलग है। जो बाजरा सब के लिए अलग है। एक बीघा कितना देर लगता है? एक बीघा 20 मिनट। 20 मिनट एक बीघा काटने में कितना पैसा लगता है? 2000 रुपया। अच्छा, कितने देर में कट जाता है? 20 मिनट में। 20 मिनट में कट जाता है। आपका नाम क्या हुआ? सद्दाम हुसैन। इस मशीन का दाम पता है कितना है? 22 लाख। 22 लाख शुरू कितना? 5.5 लाख से होता है। ये मशीन मिलती कहाँ है? मिलता है यूपी में मिलता है। चलिए, बाकी आप काम करिए, बाकी अच्छा लगा बात करके। तो देखिए, ये भैया बंगाल से आए थे ये मशीन लेके, और जब भी आप देखेंगे ना, मक्का का सीजन हो, धान का सीजन हो, जब भी फसलों की कटाई होती है ना तो बंगाल यूपी से मशीन आते हैं और अपना कमाई भरपूर करते हैं बिहार में। और होता क्या है कि बिहार के जो लोग होते हैं ना पलायन करते बाहर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि बिहार में लोग बाहर के आने लगे हैं और बिहार में काम कर रहे हैं, है ना भैया? बिहार के लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब क्या होता है, बाहर के लोग बिहार में आते हैं ना? हाँ, आते हैं। जैसे देखिए, मक्का का जब सीजन आता है, मक्का कटता है तो कुट्टी कटने वाला मशीन से बहुत सारा यूपी से आता है, पूरा बिहार में छा जाता है, कमाई खूब करता है। कमाई होता है कि ऐसा थोड़ी कमाई बिना कमाई आते हैं, खूब कमाई होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सुमन यादव है। सुमन यादव,
बाकी दोस्तों मैं अभी एक किसान के खेत में था और ये धान का खेत है और इस मशीन का जो कीमत उन्होंने बताया था 22.5 लाख रुपया। और मैं बता दूं इस मशीन का कीमत 5.5 लाख रुपया से स्टार्ट होती है और 22.5 लाख 27 लाख तक ये मशीन का कीमत होता है। बाकी इस मशीन के बारे में आप क्या सोचते हैं कि 10 लोगों का काम ये मशीन अकेला कर देता है और 10 लोगों का जो पैसा बनता है, मजदूरी बनता है, वो अकेला लेके चला जाता है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए या फिर मजदूरों को रोजगार देनी चाहिए, किस प्रकार आप सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।